हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। तो आजकल मैं देख रही हूँ कुछ कुछ, क्या देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। बट मैं तो किडनी पेशेंट हूँ, तो कुछ भी चीज़ खाने का पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सोच रही हूँ बनाऊँ और अपने स्टाइल से बनाऊं जो मैं भी खा सकूं। तो आप लोग गेस करो क्या खा सकूं। काकोड़ा, जिसे हमारे यहाँ भात करेला बोलते हैं, जिसे कंटोला भी बोलते हैं, आज उसका मैं भजिया बनाऊंगी, भाजी बनाऊंगी आलू डाल के, और बहुत यूनिक स्टाइल से। शायद आप लोग ऐसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सोचे पहले आप लोग से बता दूँ और बात कर लूँ। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, आप लोग मेरा फेस देख के पता ही चल रहा होगा, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है इधर। बट कोई नहीं, ऊपर वाला है ना, वो सब अच्छा करेगा। इस बीमारी से लड़ना है तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब स्ट्रगल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मेरा स्ट्रगल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी ठीक नहीं हूँ। जब स्ट्रगल कंप्लीट होगा तो मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगी, और मेरा इलाज भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्योंकि इलाज करके तो थक गई, बट अब मेरा भगवान ही जो करेंगे वो करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग कंटोला की सब्जी बनाते हैं, और बहुत सिंपल स्टाइल में, आप लोग देखना। तो ओके दोस्तों, आज कंटोला काकोड़ा की भात करेला, यहाँ पे आप लोग काकोड़ा बोलते हैं, कंटोला बोलते हैं, और उसके बाद हमारे आसाम में भात करेला बोलते हैं। तो आज भात करेला का भाजी बनाएंगे। तो आप लोग से सोचे चलो शेयर कर देते थोड़ा सा। तो यहाँ पे हस्बैंड काट रहे हैं। दोस्तों, हाथ से किडनी की बीमारी जब से हुई तब से मैं सब्जी भी काटने नहीं सकती हूँ, ज़्यादा हार्ड सब्जी काटने ही नहीं सकती, क्योंकि डायलिसिस होता है, हाथ पे प्रेशर पड़ेगा, इसलिए नहीं काट पाती हूँ। तो हस्बैंड ही काट देते सब्जी। कितना कष्ट है, कब मेरा ये सब कष्ट जाएगा, भगवान ही जानते हैं। बहुत परेशान रहती हूँ दोस्तों, आप लोग मेरे लिए प्रे करो कि मैं ठीक हो जाऊँ। बहुत स्ट्रगल है जीवन में। अगर हस्बैंड सब्जी ना काट दे तो खाना भी ना बने, अगर हस्बैंड आटा ना सान दे तो खाना भी भूखे रह जाएंगे। वो बेचारे काम करे ना, मेरा इतना काम करे, क्या पता, भगवान ही जानते हैं हम लोग को कितना दिन वनवास लिखा हुआ है जीवन में। दोस्तों, तो कंटोला का सब्जी फटाफट काट के आप लोग से मिलते हैं। ओके दोस्तों, कंटोला की भाजी भुजिया बनाऊंगी। तो भुजिया बनाने के पहले इसे अच्छी तरह बॉईल कर लूँगी, क्योंकि मैं तो किडनी पेशेंट हूँ ना, तो मैं किडनी पेशेंट हूँ तो मैं बिना बॉईल किए कुछ भी खा नहीं सकती। तो बॉईल करके इसका पानी फेंक दूँगी, वॉश आउट कर लूँगी, उसके बाद इसको भुजिया बनाऊँगी। और आज कंटोला की भुजिया मैं बनाऊँगी भात करेला की भुजिया। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। आज मेरा व्लॉग नहीं आया, बट कल के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए इसका कितना कैलोरीज निकल गया, यही मेरे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होगा। तो ये मैं पानी को फेंक दूँगी। दोस्तों, यहाँ पे सब रख दिए। यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज का फ़ोरन दे देना है, उसके बाद गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बस इसमें आपको कुछ भी नहीं रखना है, बस हरी मिर्ची और प्याज। उसके बाद हमने सब्जी को वॉश आउट करके रखा था, वो इसमें रख देंगे। और जब इसमें रखेंगे उसके बाद इसे जीरो फ्लेम पे भूजते रहेंगे। उसके बाद देखिएगा कितना यमी बनेगा। और मैं अपने लिए सूखा रोटी बनाऊंगी, और पापा के लिए, हस्बैंड के लिए पूरी बना दूंगी। इसके यहाँ पे स्वाद अनुसार हल्दी नमक रख देना है, बस हो जाएगा। उसके बाद गर्मा गर्म पूरी निकालूँगी, उसके बाद खाना लगा दूँगी। तो बस कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा दोस्तों, स्किप करके मत जाइएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा। ओके दोस्तों।
ये बन के तैयार हो गया, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए इस तरीक़े से, बहुत हेल्दी लगेगा और टेस्टी तो टेस्टी ही लगेगा। और गर्मा गर्म पूरी निकाल लूँगी और दे दूँगी खाना सबको। सरकार का पैसा खाना। ओके दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। बाय बाय।